हाय फ्रेंड्स, अब हमारा चैप्टर नंबर 6 है रिटेल का, मॉड्यूल बी का यह चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब ये है कि हमें कोई भी हमारा जो क्रेडिटर हम ना मतलब जैसे किसी को भी हम लोन दे रहे हैं तो उसका हमें स्कोर, ठीक है, क्रेडिट स्कोर जो कि हमें सिबिल देता है वो हमें पता होना चाहिए। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम क्या ये कस्टमर एलिजिबल है, क्या इसको लोन देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज हमने लोन दिया और फ्यूचर में वो कुछ फ्रॉड कर जाए, कुछ डिफॉल्ट कर जाए। तो इसी वजह से ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मेन पर्पस यही है। तो देखिए, बोला है कि बैंकों को अलग अलग तरह के रिस्क हो सकते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क, कस्टमर फेल्स टू पे नहीं दे पाया, बिजनेस रिस्क, गलत स्ट्रैटेजी लगा दी जिस वजह से पैसा डूब गया, मार्केट रिस्क, मार्केट में जो जो चेंजेस आते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, ऑपरेशन रिस्क, हमारा कोई सिस्टम हमारे खुद के फ्रॉड हो जाए, कोई इंटरनल प्रोसेस हो जाए। तो इस तरह के बैंकों को रिस्क झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही सब रिस्क का नीचे उन्होंने ऐसा गोला सा बना रखा है। ठीक है, मेन यही चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। अब क्रेडिट स्कोरिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया है? ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक गुड क्रेडिट स्कोर विद लोन फेलियर्स विद लोअर रेट्स। ठीक है, क्रेडिट स्कोर मतलब 3 डिजिट का नंबर होता है, ये हमें सिबिल देता है। सिबिल ट्रांस यूनियन मॉडल गिव स्कोरिंग 300 से लेकर 900 तक आपको नंबर देता है। द हायर द स्कोर द लेसर द, जितना अच्छा स्कोर होगा वो उतना अच्छा कस्टमर होगा। ठीक है, उसका रिस्क उतना ही कम होगा। और ठीक है, इवेल्यूशन ऑफ क्रेडिट स्कोर, तो उसका ज़्यादा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना कहाँ से आया, पर हाँ ये आप ज़रूर आप रट लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ब्रॉडली यूज द फॉलोइंग वेजेस और गिवन बिलो टू अराइव द, वो जो स्कोर मैंने बोला अभी आपको 300 से 900 के बीच में आपको स्कोर देगा, नंबर देगा, तो इन इन चीज़ों को बेसिस पे देता है। पेमेंट हिस्ट्री आपका 35% देखता है, अमाउंट कितना ऑन आपने किया 30%, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री कितने टाइम से आपका क्रेडिट हिस्ट्री चल रहा है 15%, न्यू क्रेडिट 10% और टाइप ऑफ क्रेडिट इन यूज 10%। तो ये सब आप उसको एज इट इज रट लेंगे। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो आपको मॉडल है उसमें पेमेंट हिस्ट्री का कितना परसेंट है, तो 35 ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अच्छा, अगर आपको माना है तो 700+ एक अच्छा स्कोर है, 750 तो होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 750 होना चाहिए, पर 700 एक अच्छा स्कोर है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में क्या है? क्रेडिट यूटिलाइजेशन और ठीक है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन और क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में दो है, एक तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन से पेमेंट हिस्ट्री है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब क्रेडिट वो कितना यूटिलाइज कर पा रहा है, जैसे मतलब एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि मतलब क्या कहना चाह रहा है। वो आसानी से 1 लाख बोरो कर सकता है, मतलब उसका इतना एबिलिटी है, वो उसका इतना एलिजिबिलिटी आ रहा है, लेकिन उसने सिर्फ 50,000 से ब्लॉक बोरो किए। ठीक है, तो उसका वो एक अच्छा वो सेफ कैंडिडेट है इसका मतलब। ठीक है, यू आर नॉट ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग मतलब आपका लिमिट कम है लेकिन आप ज़्यादा का लोन मांग रहे हैं बैंकों से। ठीक है, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब कितना वो अपने क्रेडिट को यूटिलाइज कर रहा है, कितना उसको जो क्रेडिट पावर है मतलब कितना वो क्रेडिट कर सकता है, पर वो उसमें से कितना ले रहा है। वो 1 लाख ले सकता है पर वो बैंक को सिर्फ 50,000 की डिमांड कर रहा है, तो ये बैंक सेफ साइड में, यहाँ ओवर लिवरेज नहीं हो रहा है, नॉट ओवर लिवरेजिंग। नेक्स्ट है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छा हमें बताता है कि कभी ऐसा तो नहीं था कि अर्ली अर्बन इंस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट टर्न इन टू बैड कस्टमर्स। कभी भी आपने पास्ट में मान लीजिए कभी आपने एजुकेशन लोन लिया था, आपने जैसे चुकाया नहीं, ठीक है, तो वो आपका डेटा आ जाएगा कि हाँ अभी आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन पास्ट का आपका चुकाया नहीं तब आप डिफॉल्ट है। तो वो सब हमारा पेमेंट हिस्ट्री, वो सब भी ज़रूरी है ताकि पता लगे कि कभी भी किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से आपने चाहे यहाँ से चाहे फॉरन से कहीं से भी आपने डिफॉल्ट किया तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसमें ये भी होता है सिबिल में, अगर आपको चाहिए, जैसे हर बैंक चाहता है कि उसके कस्टमर का सिबिल स्कोर उसको पता हो, ठीक है, उसने कभी कभी भी अपनी ज़िंदगी में जब भी उसने खाता खोला तब से कोई लोन लिया या नहीं लिया, तो सिबिल जो है वो ऐसा भी बोलता है कि अगर आपको किसी कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री चाहिए तो आपको भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सिबिल के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? जितने भी बैंक्स हैं सब अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे तभी तो आएगी ना कि हाँ ये कस्टमर था, इसने डिफॉल्ट किया या इसे ये अच्छा कस्टमर है। तो अगर आपको चाहिए तो फिर आपको अपना डेटा भी देना पड़ेगा, अगर आपको किसी अपने कस्टमर का डेटा चाहिए तो आपको डेटा देना होगा। तो ऐसा करके बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनका आपस में टाइप रहता है और उस वजह से सिबिल के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कई सालों से जो भी रहता है। मैनेजिंग द क्रेडिट स्कोर, ठीक है, कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को मैनेज कर सकते हैं? पेमेंट डिफॉल्ट, हाउ मेनी पास्ट अकाउंट और ड्यू, कितने आपने डिफॉल्ट्स किए हैं? ट्रेड एट्रीब्यूट्स, हाउ मेनी लाइन्स, व्हाट आर दे, डू यू हैव ए गुड मिक्सचर्स, ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड्स कैसे हैं, कितना आपने उनका पेमेंट क्या क्या किया है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपने अपने क्रेडिट जो लिमिट है, जैसे बोला सेफ लिमिट 1 लाख है लेकिन आप 50,000 यूज़ करें तो आपने कितना उसको यूज़ किया। पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ऑफ क्रेडिट, अ गुड स्कोर, अच्छा अगर आपने क्रेडिट स्कोर किया तो उससे क्या होगा? इविडेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इफ द बोरोवर हैज डिफॉल्टेड वंस और ट्वाइस ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड दिस वी शुड क्लियर एब्लिगेशन, ठीक है, अगर उसने कभी भी अपनी गलती के उसकी गलती के बिना कुछ उसने डिफॉल्ट कर दिया 1 और 2 टाइम तो उसमें क्रेडिट हिस्ट्री में साफ साफ आ जाएगा कि ऐसा ऐसा रीजन था। वार्निंग साइन, ठीक है, क्या क्या उसके वार्निंग साइन है क्रेडिट स्कोर में? क्रेविंग फॉर क्रेडिट, वो बहुत ज़्यादा लोन मांगे जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोन्स लिए जा रहा है। फ्रिक्वेंट एंड अननेसेसरी शॉपिंग फॉर क्रेडिट,
वही है, सेवरल न्यू अकाउंट्स, उसके बहुत सारे नए नए खाते खुल रहे हैं, ठीक है। अपने क्रेडिट को कैसे यूज़ कर रहा है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सालों से उसका क्रेडिट हिस्ट्री चला जा रहा है, ये सब हमारे वार्निंग्स आने चाहिए। मतलब बार बार ऐसी कौन सी चीज़ें जो कस्टमर कर रहा है जिससे बैंकों को वार्न होना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार डायरेक्ट पूछ लेते। द फर्स्ट क्रेडिट ब्यूरो इन द वर्ल्ड था डन एंड ब्रैड स्ट्रीट, ठीक है, सिबिल का 1841 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिबिल आपको पता 3 नंबर का ही होता है, 3 डिजिट का होता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, हाँ सिबिल जो इंडिया का है वो 140 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और लोन टकर्स का वो करती है। सिबिल इज इंडिया फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडिया की कौन सी सिबिल है। इशू इन क्रेडिट स्कोरिंग, क्या क्या इसमें इशूज हो सकते हैं, देखो मिस्टेक मतलब क्या क्या इसमें गलतियां हो सकती है, इशू मतलब क्या क्या उसकी मिस्टेक्स हैं। इट इज़ बट नॉट नेचुरल मिस्टेक मैं करें द क्रेडिट स्कोरिंग प्रोसेस, उसमें कई बार कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं। कन्फ्यूजन्स ऑफ नेम्स, कई बार क्या होता है कि सेम नेम हो, एक तो अच्छा कस्टमर हो और एक ने डिफॉल्ट किया हो, तो डिफॉल्ट वाले की वजह से अच्छे का भी रेपुटेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ऑफ नेम हो गया। दूसरा है हमारा ह्यूमन इनपुट एरर, कि वहाँ पे भी तो वो लोग तो एरर ही करते हैं, मतलब जो इनपुट हो रहा है उस पर जो डेटा वो ह्यूमन ही तो है, हम ही लोग तो हैं, हम में से तो कोई है, तो इंसान है उससे गलतियाँ हो जाती, तो कई बार गलती से अच्छे के बदले गलत डेटा भी एंटर कर देता है। आइडेंटिटी थ्रिफ्ट, कई बार क्या होता है बार बार आप कार्ड स्वाइप करते हैं, कुछ भी आप सेम एक्टिविटी रिपीट करते हैं, तो वो आइडेंटिटी थ्रिफ्ट अपने आप ही सिस्टम ऐसा कर देता है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब चला जाता है। जैसे बार बार अपना क्रेडिट स्कोर निकलवा रहे हैं तो बोलते हैं कि बार बार आप अपना अगर क्रेडिट स्कोर चेक भी कर रहे हैं तो उससे भी आपका क्रेडिट जो सिबिल है उसका जो नंबर है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उससे आपका आइडेंटिटी थ्रिफ्ट आप उसको बोल सकते हैं। ट्रबल शूटिंग क्रेडिट स्कोर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका क्रेडिट स्कोर गलत दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखे ना, आप एक मेल कर सकते हैं, किस ईमेल आईडी पे, info@cibil.com, ये आपकी जस्ट नॉलेज के लिए, ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं पर कभी पूछ भी सकते हैं, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। उनकी वेबसाइट पे www.cibil.com, ठीक है। और कभी भी आपको बैंक किसी चीज़ के लिए रिजेक्ट कर देता है कि नहीं आपका क्रेडिट स्कोर गलत आया या सिबिल स्कोर गलत आया, तो फिर उस केस में क्या करते हैं, पहले तो आप बैंकों से जानेंगे, ठीक है, कि क्या ऐसा रीज़न है, क्यों उन्होंने आप डिक्लाइन किया है, ठीक है, और उनको बोलेंगे कि कंट्रोल नंबर दे, उस कंट्रोल नंबर की हेल्प से आप सिविल पे जाकर अपनी फर्दर इंक्वायरी करें कि ये मेरा कंट्रोल नंबर है और मैंने तो ऐसा कुछ डिफॉल्ट किया नहीं, लेकिन बैंक मुझे बोल रहा है कि मेरा जो क्रेडिट स्कोर गलत आया, तो वो सिविल वाले फिर देखेंगे अपना कि हमने कहाँ गलती तो नहीं कर दी। और कंट्रोल नंबर इज़ ए 9 डिजिट यूनिक नंबर दैट हेल्प सिविल ट्रैक एन इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम इस डेटाबेस। सिविल के पास तो बहुत सारा डेटाबेस है, तो वो कैसे वो जो कंट्रोल नंबर बैंक आपको प्रोवाइड कराएगा 9 डिजिट का जो होगा यूनिक नंबर, उससे वो सिविल ट्रैक करते हैं कि हाँ अपने डेटाबेस से कि हाँ ये वाला कस्टमर है, तो इस तरह से बात है, ठीक है, ये सब है। अगर बैंक आपको कॉपरेट नहीं कर रहा, आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो 15 दिनों के अंदर, ठीक है, इफ़ द बैंक डजेंट रिस्पॉन्ड विद इन 50, यू कैन रजिस्टर कंप्लेन विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग अगर आपको 15 दिनों के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बैंक ने बस आपको मना किया, कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं, कुछ भी आपकी फर्दर कोई क्वेरीज उसको लेके, ठीक है, ये सब उसकी ईमेल आईडी दी है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक वुड किस वजह से हो सकता है, मिस्टेक्स है ये, नाम की गलती हो गई, इंसान ने एरर डेटा गलत डाल दिया, या आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट में भी बताया था ना, बार बार आप खुद ही स्वाइप कर रहे हैं तो अपने आप ही आपका जो स्कोर है वो कम दिखाने लगेगा, तो ऑल ऑफ दिस होता है। और क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या लेता है, फैमिली साइज, आपका इनकम कितना है, आपका बिजनेस है, रिपेमेंट हिस्ट्री कैसा आप कर रहे हैं, तो ये सब देखते हैं, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर नंबर 6 फिनिश हुआ, अब चैप्टर नंबर 7 करेंगे हम नेक्स्ट में, इसका आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।